ना, अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहाँ पे हम गारंटी कसम खाते हैं भारत माँ की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा। साहब जी हम क्या चाह रहे हैं, हमको कुछ चाहिए, हमको बस लड़कों को जॉब दे दीजिए। भाई साहब उनका कितना बड़ा सपना होता है, 30-40 हज़ार की नौकरी चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए आपकी तरह हेलीकॉप्टर प्लेन और संसद भवन का वो बिल्डिंग नहीं चाहिए। वो बेचारा खुश हो जाएगा, केवल 30-40 हज़ार की नौकरी में खुश बन गया, अचानक फूटा वो। टाइम रहते सुधर जाना चाहिए किसी को भी, वरना अंग्रेजों ने भी यही गलती किया था, उस तरह सरकार का समर्थन करने के लिए भी आ जाएंगे कि हाँ भैया आपने हमारी बात को मान ली थी। जो एक भीड़, एक आग उबल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, उसे रोक नहीं पाएगा कोई। आप बर्दाश्त के बाहर इसलिए हो गया है कि अब पूरा शिक्षित समाज अब खड़ा हो गया, और जब कभी भी शिक्षित समाज खड़ा हुआ है तो इतिहास गवाह है वो क्रांति की पहली दहलीज होती है, क्योंकि शिक्षित समाज को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता। आप देखिए, नई नौकरी को तो गोली मारी है, नया नौकरी तो भाई उम्मीद ही नहीं है कि निकलेगा। जो नौकरी निकली हुई है 2018 की वैकेंसी, उसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं लोग। जो 19 में वैकेंसी आई थी वो क्लियर नहीं हो पा रही। हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि एक वैकेंसी से आप दो ठो एकदम बढ़िया से चुनाव जीत सका लिया जाए, और उसको 3 साल बाद रिजल्ट दिया जाएगा तो कैसा लगेगा नेता लोग को नहीं पता इन लोग को। लेकिन इन लोग को क्या है कि नॉमिनेशन के तुरंत इन सब लोग को पता होता है कि हमारा कब 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 इलेक्शन का पीरियड है, लेकिन इन लोग को यह नहीं समझ में आता है कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। गवर्नमेंट को नहीं भूलना चाहिए कि ये युवा ही है जिन्होंने इसे इस सरकार को फर्श पर पड़ी थी इसे उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया, लेकिन जिस दिन युवा बिगड़ेगा ना उस दिन अर्श से उठा के फिर फर्श पर फेंक देगा, टाइम नहीं लगेगा। जिसको आप धीरे धीरे देख रहे हैं, युवाओं के बीच में इतना क्यों खोल रहा है, मन क्यों खोल रहा है, क्योंकि युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, और हमेशा पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का ही आवाज दबाया जाता है। रीजन क्या है कि शिक्षा एक ऐसी चीज होती है ना जो आपके अंदर सवाल पूछने की क्षमता पैदा कर देती है। वो जानते हैं कि सोचा पढ़ लिख लेगा ना तो सवाल पूछने लगेगा, अगर नौकरी हो गई तो मेरे चुनाव की रैली में कौन जाएगा। सीईटी लिया दो, क्या मतलब बनता है सीईटी लिया को, सीईटी लियाओ लड़कों को पीटी में पास करा के फिर मेंस में लड़ाओ वहां पर, ये लोग किसी काम के नहीं। इन लोग में एकदम रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक इन लोग की नौकरी पे सवाल नहीं आएगा, सीधी गवर्नमेंट को रूल बनाइए, भाई साहब जितना दिन तक एग्जाम लेट होगा उतने दिन तक इनकी सैलरी रोक लो, या आप सैलरी, इन लोग को पता है हमारी सैलरी थोड़ी ना रुकने वाली है। एग्जाम 5 साल जाए या 10 साल जाए या नहीं हो कैंसिल हो जाए कोई मतलब नहीं बनने वाला है, इन लोग को किसी चीज से मतलब नहीं है। में जो एक गुस्सा था वो गुस्सा धीरे धीरे एक बारूद बन गया, अचानक फूटा वो। टाइम रहते सुधर जाना चाहिए किसी को भी, वरना अंग्रेजों ने भी यही गलती किया था, उन्होंने कहा था कि ये लाठी लेने वाला गांधी क्या करेगा, ये भगत सिंह क्या करेगा, खुदीराम बोस क्या करेंगे लोग, पता चल गया क्या कर लेंगे, तो स्टूडेंट को अंडरटेकिंग नहीं लेना चाहिए कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी भाई कुछ भी कर सकता है, जिस तरह से आप इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद रखेंगे कि 24 में ये सब भी जाएंगे सब, और हर स्टेट वालों को कहते हैं कि भाई देखिए ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ना ही ये पॉलिटिशियन का मुद्दा है, मुद्दा के राज्यों को कहते हैं आप आगे बढ़िए, मराठी आप सोइए मत, कहां गए आप लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का वो जुनून, आप दिखाइए इसमें, राजस्थान के राजपूतों उठो, याद करो अपना इतिहास एक बार फिर, क्रांति की जरूरत होती है। हरियाणा के जाटों को कहते हैं जिस समय आपको आरक्षण लेना था पूरी दुनिया देखी कि किस तरह आप लोगों ने सरकार के ऊपर चढ़ के अपनी बात मनवा ली, आज वो वक्त आ गया, आप क्या करेंगे आरक्षण को लेकर, क्या करेंगे रिजर्वेशन लेकर जब आपके पास वैकेंसी नहीं रहेगी। हर जगह से राज, एक एक राज्य, जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक ये आपको बर्बाद करते रहेंगे सब। अगर आप गलती से बोल दिए ना हमें जॉब चाहिए, हम क्या चाह रहे हैं, हमको कुछ चाहिए, हमको बस लड़कों को जॉब दे दीजिए। भाई साहब उनका कितना बड़ा सपना होता है, 30-40 हज़ार की नौकरी चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए आपकी तरह हेलीकॉप्टर प्लेन और संसद भवन का वो बिल्डिंग नहीं चाहिए। वो बेचारा खुश हो जाएगा, केवल 30-40 हज़ार की नौकरी में खुश हो जाएगा, बस उसको दे दीजिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर कहिए ना तो लोग कमेंट करते हैं कि पहले जनसंख्या कंट्रोल करो, एंटी नेशनल हो गया, तुम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है। अरे भाई हम क्या खिलाफ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने खुद बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहां पे हम गारंटी कसम खाते हैं भारत माँ की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर, फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए, दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितने भारत के युवाओं हैं, उतना भर जाएंगे ना फिर जगह नहीं बचेगी, फिर एक क्रांति आ जाएगी यहां पर जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य के लिए लिखा था। मत खेलिए, मत ललकारिए युवाओं को, वरना ये एक दिन युवा उत्पाद, ये इसका सर घुमा ना तो ये अपनी हद नहीं देखता,
है, दुश्मन का सरहद पार कर देता है यहाँ पर। इसको प्लीज हम हाथ जोड़ के कहते हैं, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए। ऐसे समझ, ये एकदम ज्वलंत मुद्दा है। लड़का कहाँ जाए, हमको नया वैकेंसी थोड़ी चाहिए भाई, नया वैकेंसी कम से कम जो पुरानी वैकेंसी है उनका रिजल्ट तो दे दीजिए, क्या होगा। हर जगह ये समस्या है, किसी एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये स्टूडेंट्स की मांग है। इसे आप राजनीतिक मत समझे, सरकार दे दे, हम लोग सरकार का जिस तरह से विरोध कर रहे हैं उस तरह सरकार का समर्थन करने के लिए भी आ जाएंगे कि हाँ भैया आपने हमारी बात को मान ली थी। जो एक भीड़, एक आग उबल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, उसे रोक नहीं पाएगा कोई। आप ऐसे देखिए कि शिक्षक हिंदुस्तान का, आप छोटा या बड़ा कोई शिक्षक देखिए जो आज बगावत के लिए नहीं खड़ा है। तब ऐसे स्टूडेंट, आप किसी कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर ऐसे कर रहा है जिसको कुछ नहीं पता, तो समझ में आता है कि चलो ये किसी के सिखाने में बगावत कर रहा है। कोई शिक्षक ऐसे पागल नहीं हुआ है जो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपको बगावत करेगा। स्टूडेंट से हम कहना चाहते हैं कि आप हम लोग की शक्ति है, आप धीमे मत पड़िएगा। जो भी सोशल मीडिया है, ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कीजिए ताकि ट्विटर पागल हो जाए, हम लोग भी अपनी आवाज दबने नहीं होंगे देंगे। और आप स्टूडेंट्स लोग के भी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने आवाज को दबने मत दीजिए, आप अपने गार्जियन, गली मोहल्ला हर जगह पहुंचा दीजिए इस चीज को कि सरकार आपके साथ गलत कर रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ना ही हमें सरकार से कोई विपत्ति है। हम लोग को ये राजनीतिक नहीं है, ये हम लोग विद्यार्थियों की समस्या को उजागर करने के लिए आपके सामने लाए हैं। हम लोग की बातें अगर आपको तकलीफ लगती है तो भाई हम इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। हम सारे स्टूडेंट को कहते हैं आप जो भी कमेंट करें, जो भी हैशटैग चलाएं, उसमें दो चीजों का ध्यान दें, कहीं भी हिंसा को बढ़ावा देने वाला काम न करें और अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। क्योंकि अगर इस तरह का प्रयोग करेंगे तो फिर सरकार को एक बहाना मिलेगा आपके इस आंदोलन को कुचलने का। आप एकदम अहिंसक रूप से, एकदम सभ्य तरीके से अपना विरोध दिखाएंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गांधी का देश है, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। सफलता एक दिन में भले ना मिले, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेगी। और ये विद्यार्थी अपना इतिहास अपनी हाथों से लिखेंगे, ये वादा है। अगर विद्यार्थी एक साथ जुटे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा।